गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुथार फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम केवल आपकी बुक के लेसन नंबर सेकंड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। जो पिछला लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा की थी, जो आपकी बुक के लघुरात्मक और अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपकी बुक के कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स एंड जो आपके बुक के जो आंकिक प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद मैं कह देता हूँ आपको कि इसके बाद जस्ट एक लास्ट स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें मैं थोड़े बुक के जो बचे एग्जांपल करवा दूंगा, सॉरी क्वेश्चन करवा दूंगा। और इसके अलावा हम जो आपके बुक के दो तीन जो बाहर के अच्छे क्वेश्चन है उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी करते हुए। ठीक है, तो देखो आपका जो हमारा पहला एग्जाम्पल दे रखा है वो कह रहा है कि आपको गिवन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो क्या दे रखा है, E बराबर E नॉट E नोट एक्स आई के एरिया वेक्टर दे रखा है, एरिया दे रखा है एक, सॉरी भुजा की लंबाई दे रखी है और एक सेंटीमीटर और E नोट का जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी दे रखे हमारे पास, ये दे रखी है। तो उस घन से संबंधित फ्लक्स निकालना है और आपको घन से परिबद्ध कुल आवेश भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस बुक में डायग्राम भी दे रखा है, मैं आपका डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है बुक के अंदर, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र में घन रखा गया, तो ये हमारे पास मैंने बना दिया एक घन। ये हमारे पास घन है, ये हो गया ए, सॉरी ओ, मैं एक बनाम देता हूँ ओ, ए बी सी डी ई एफ और दे दिया जी। ये हमारे पास घन दे दिया। इस घन के कुल कितने फलस होते हैं आपको पढ़ा है आपने इसके बारे में, घन में कुल 6 फलस होते हैं। 6 फलक कौन कौन से, एक तो इधर वाला S1, इधर वाला कौन सा S2, ऊपर वाला S3, नीचे वाला S4, बाहर वाला वो कितना S5 और अंदर वाला कितना हो जाएगा S6। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो इस तरफ आरोपित है, मतलब S2 को मैं लिख देता हूँ, S2 को यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो इस तरफ आरोपित है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो पहले हम सेकंड नंबर को प्रॉब्लम कर लेते हैं, जैसे ये बुक में पहली थी घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। तो देखो हमारे पास इस घन में 6 फलक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमारे पास देखा जाए तो ई साइज होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वो भी किसके लिए, संपूर्ण घन के लिए, संपूर्ण घन के लिए। परंतु हमें पता है संपूर्ण 6 प्रश्नों से मिलकर बना है, तो 6 प्रश्नों के लिए अलग अलग फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो कैसे करते हैं, हमारे पास S1 प्रश्न के लिए वो दे रखा है E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या उसका पूरा एरिया कह सकते हो, या मैं अगर इंटीग्रेशन नहीं लो सीधा कर दूं बेटा तो आपको पता है मैं भी लिख सकता हूँ इसको कि E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर ए 4A S1 प्रश्न के लिए, फिर E वेक्टर और डॉट ए वेक्टर सीधा मैंने इंटीग्रेशन करके लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4A S2 प्रश्न के लिए, इसी प्रकार जो आगे आएंगे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे चलेंगे E वेक्टर डॉट ए वेक्टर 4A S3 प्रश्न के लिए, प्लस E वेक्टर डॉट ए वेक्टर S4 प्रश्न के लिए, प्लस E वेक्टर डॉट ए वेक्टर S5 प्रश्न के लिए, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर S6 प्रश्न के लिए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इनके बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें एंगल देखें, तो जो एंगल जिसके बारे में चर्चा करते हैं, तो देखो S3 S4 S5 S6 जो इधर से S3 S4 S5 S6 उनके बीच में क्या है, सारों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में थीटा बराबर 90 डिग्री, इसके लिए भी थीटा बराबर 90 डिग्री, इसके लिए भी थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है, इसके लिए भी थीटा बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका परिमाण ले लेते हैं, तो परिमाण लेने पर कितना आएगा, ई जो वेक्टर का जो मोड है वो कितना आ जाएगा, ई नोट और ओनली फॉर एक्स आ जाएगा, ये मुझे परिमाण से लेना है। अब देखो बेटा कि जो S2 प्रश्न है उसका एरिया वेक्टर देखा जाए वो भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। S1 जो प्रश्न है उसका अगर L5 दो तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ, और इंटेंसिटी किस तरफ है, इस तरफ, तो थीटा बराबर कितना हो गया 180
डिग्री। तो एस वन ब्रस्ट के लिए तो एंगल कितना आएगा 180 डिग्री, एस टू ब्रस्ट के लिए एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री और ये आ जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। ये चार टर्म्स कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो कर देते हैं इसमें। तो फाइव संपूर्ण फ्लक्स के लिए हो जाएगा, फाइव घन से रिलेटेड पूरा वो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का ई ए, इधर प्लस का ई ए। बट सुनना बेटा, इसके लिए तो ई इसका तो वन है, वो प्रत्येक जगह एक्स के साथ वेरी कर रहा है, इसके लिए कितना आ जाएगा ई वन, इसके लिए कितना आ जाएगा ई टू, क्योंकि देखो बेटा ई वन ई टू वेरी कर रहा है विद द डिस्टेंस के एस्पेक्ट में। तो हमारे पास ई ए जो आएगा वो कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा ई वन ए और यहाँ कितना आ जाएगा ई टू ए। सबसे पहले हमें ई वन ए टू के मीनिंग की मान फाइंड आउट करना। ई वन ए कितना दे रखा है, ई वन ए कहाँ है बेटा, ई वन ए प्रश्न, ये प्रश्न है ये वाला, कौन सा सी डी और कौन सा सी डी ई और जी, ये जो हमारे पास है वो किसके लिए सी डी ई जी प्रश्न के लिए। तो इवन ए जो है वो प्रश्न सी डी ई सॉरी ई और सॉरी ओ जी, ये तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सी डी ओ जी प्रश्न के लिए, प्रश्न के लिए, प्रश्न के लिए x बराबर कितना है, x हमारे पास मूल बिंदु पर स्थित है तो x बराबर कितना हो गया 0। तो इवन प्रश्न है वो कितना हो जाएगा e नोट इनटू कितना हो जाएगा 0। तो इवन कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा 0। तो ये फैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा 0। तो घन के लिए संपूर्ण प्रश्न के लिए आएगा उसमें आएगा e2 इनटू कितना आएगा e, ठीक है। अब e2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो e2 जो हमारे पास है e2 वो किसके लिए प्रश्न कौन सा है ए बी ई एफ, प्रश्न ए बी ई और कितना एफ के लिए, प्रश्न ए बी एफ के लिए देखा जाए तो उसके लिए देखो जाए हमारे पास एक्स बराबर कितना है एक सेंटीमीटर, बोले तो 0.01 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो ए की वैल्यू है वो एक्स का डिस्टेंस वेरी कर रही है, तो इसका मान भी रखना पड़ेगा। तो कितनी वेरी कर रही है ई e, कौन से प्रश्न के लिए ई टू कह सकता हूँ सीधा इसको, E2 जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 0.01 इंटू कितना आएगा E नोट, ठीक है। इस घन के अंदर हम फ्लक्स मीटर देते हैं, फाइव घन जो आएगा संपूर्ण के लिए उसमें कितना आएगा 0.01 इंटू E नोट की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास वो रही 2.5 इंटू 10 की पावर प्लस 5 इंटू एरिया, एरिया कितना दे रखा है भुजा का स्क्वायर होगा घन के लिए, तो भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर कितना होगा इसको मैं यहां लिख देता हूं, एरिया के बारे में हम यहां लिख देते हैं, तो कितना होगा ई टू इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि देखो ये जो है वो क्या दे रखा है एक वर्ग दे रखा है, घन का एक फलक वर्ग ही तो होता है, तो ये वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है। अब हम भुजा स्क्वायर का मान भी इसके अंदर रख देते हैं, तो ये कितना आएगा 0.01 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं इसको देखो, तो ये कितना 2.5 × 10⁵ देखो ये हो जाएगा, देखो इसमें तो आ गया 10⁻², उड़ाए तो कितना आ जाएगा 100 नीचे, यहाँ से डेसिमल उठा है तो 0.2 का मतलब ये हो गया 0.01 का स्क्वायर का मतलब 0.01 × 0, अगर यहाँ से उठाए तो कितना आ गया 100, यहाँ से उठाए तो कितना आ गया 0, तो 2 × 2 = 4 × 6 तो कुल पावर कितना 10⁻⁶, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 2.5 × 10⁻⁶ सॉरी 1 आ जाएगी पावर, क्योंकि माइनस सिक्स से प्लस फाइव घटेंगे तो 1 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 0.25 ये आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर सॉरी वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ये हो गया हमारे पास वोल्ट इंटू मीटर। अब हमें क्या निकालना है घन से परिबद्ध कुल आवेश, अब हमें क्या निकालना है अगला टॉपिक घन से परिबद्ध कुल आवेश, घन से परिबद्ध कुल आवेश तो हमारे पास है वो कितना है फाई बराबर कितना देखा है गॉस के नियम से समेशन क्यू अपॉन इनसाइड अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, हमें तो समेशन क्यू इनसाइड निकालना, ये कितना आ जाएगा फाई इंटू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू इनसाइड जो आएगा उसमें फाई फाई कितना देखा है 0.25 × ये देगा 8.85 × 10⁻½, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने पर जो आपका मान है वही आज का क्या होगा आंसर होगा। एक काम करना बेटा इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर भेजना, ठीक है। अब जो हमारा आगे टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा कलर था न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो पहला एग्जांपल नंबर 2.14 कर लेते हैं, 2.14 क्या कर रहा है एक
10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला दे रखा है जिस पर एक माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। गिवन में मध्य रखा है, गिवन में मध्य रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना रखा है 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर। ठीक है, एक आवेश दे रखा है, उस पर आवेश दे रखा चार्ज का मान वो 1 माइक्रोकूलम बोले तो 10 की पावर -6 कूलम दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आवेशित की आवेशित करने पर गोले के केंद्र पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाली डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो कहां कहां निकालनी है उसके बारे में देख लेते हैं। एक नंबर, गोले के केंद्र पर, दो नंबर है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मतलब ये अपने त्रिज्या दे रखी है, इसको कब ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर दे रखा है और ये 0.05 मीटर पर। अगला किस दे रखा है हमारे पास, गोले से 10 सेंटीमीटर दूरी पर और अगला कह रहा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो कहाँ दे रखा है तुम्हारा थर्ड केस, गोले के केंद्र से आर बराबर 0.1 मीटर दूरी पर, अगला दे रखा है गोले के केंद्र से आर बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 15 सेंटीमीटर बोले तो 0.15 मीटर दूरी पर निकाल। ये चार हमारे पास केस दे रखे, इन चारों केस के बारे में चर्चा करते हैं। देखो हमने पढ़ा है चालक गोले के लिए सूत्र देखा है, तो चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता वो कितना होगा, चालक गोले के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थे तो अगर ई इन साइड देखे वो कितना होता है 0 N/m, ई सरफेस देखे तो सरफेस कितना होता है K³/r², ई आउटसाइड देखे तो K³/r². ये तीन फॉर्मूले और कुछ तीनों ही फॉर्मूले लगने वाले हैं। इनसाइड पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो होती है तो पहला जो गोले का केंद्र वो भी गोले के अंदर होता है और गोले की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर का होता है 0.1 मीटर दे रखा हूं जबकि हमें निकालना है 0.05 मीटर पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गोले के अंदर ही है, इसका मतलब इन दोनों केस में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी जीरो होगी, इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की वैल्यू 0 N/m होगी। अब देखो ये कौन सा है, गोले के पृष्ठ की बात कर रहा है, गोले के पृष्ठ से बाहर की बात करता है, तो हमें इन दोनों को लगाना फॉर्मूला सॉल्व करना। थर्ड केस में भी सॉल्व कर देता हूं, थर्ड केस क्या कर रहा है, हमें कहां निकालना है, ई सरफेस पर, तो सरफेस में निकालना है, सरफेस पे के का मान कितना होता है 9×10⁻¹⁹ × Q का मान हमें दे रखा है माइक्रो कूलम्ब में 10⁻¹⁶ / में, ये कितना रखा 0.1 एक आ गया, यहाँ पे कितना 9×10⁻¹⁰ × 10⁻¹⁶ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे 10⁻¹ कितना देगा 11, यहाँ 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे उड़ाने पर 100 आ जाएगा, 10 में उड़ाने पर। ठीक है आगे करते हैं हम इसको सॉल्व, तो ई सरफेस दो होगा हमारे पास, सरफेस कितना हो जाएगा 9×10⁻¹ ये +5 न्यूटन अपॉन मीटर आएगा कूलम, ये तो आ गया हमारे पास सरफेस पर। सरफेस के बाद आगे चलते हैं बेटा आउटसाइड पर, तो आउटसाइड के अंदर क्या निकालना है 15 सेंटीमीटर पर निकालना, फोर्थ केस है तो ई आउटसाइड, आउटसाइड के फॉर्मूले में के का मान कितना होगा 9×10⁻¹ ये लो, माइक्रो में कितना 10⁻⁴ में कहां निकालना है 0.15 मीटर पर, 0.15 का होल स्क्वायर इसका मतलब कितना कह सकता हूँ 0.15 × 0.15 दशमलव उड़ाया तो कितना देगा ये देगा हमारे पास 10⁴, यहां से हम सोल्व करें तो पावर सोल्व कर लेते हैं पहले बेटा, पावर सोल्व करने पर ये तो नीचे कितना बच गया 15 × 15, यहां पे हम क्या करते हैं देखो 15 × 15 बच गया,
अब देखो जो हमारे पास, इसको मैंने एक बार के लिए 10 ले लेता हूँ, एक 10 और ले लेता हूँ। फिर ये देखो 9 दो कितना हो जाएंगे 11, 11 में से 6 गए तो कितने बच गएंगे 5, तो ये प्लस के 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको काट देते हैं इससे 10 के, तो ये 2 का कर देगा, ये 3 बार, ये भी 2 का कर देगा, ये भी 3 कर, 3 ने मल्टीप्लाई करेगा तो कितना कर देगा एक बार पूरा पूरा, तो ये देगा 4 × 10^5 N·m कूलम। ये हमारे पास दो क्वेश्चन क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2.15, वो भी कुछ ऐसे दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2.15 ये क्या कह रहे हैं, एक, अब क्वेश्चन के अंदर जीवन में क्या दे रखा है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले एक समान रूप से आवेशित किया जाता है, इसकी चालक की सतह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दे रखी है, तो उसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक आवेश दे रखा है, उस पे बल निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का गोला दे रखा है, तो डायमीटर जो दे रखा है, डायमीटर वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ कि आर बराबर 2 का रेडियस गोले की, आर बराबर वो डी बाई 2 मतलब 5 सेंटीमीटर बोले तो 0.05 मीटर, एक तो मैंने रखा। इसके सरफेस पर दे रखा है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई सरफेस, ई सरफेस पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी दे रखी है 5 × 10^5 V·m। एक बात ध्यान रखना बेटा कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो एक ध्यान रखना सरफेस के बाहर किसी बिंदु पे दो बिंदु दे दे और वहां पे अगर तीव्रता निकालने को गए तो आप उनका रेशियो मत लेना। कैसे, मेरी बात सुनना, जब इस क्वेश्चन को करवाऊंगा अभी मैं आपको, तो मैं रेशियो लेकर सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि सरफेस में जो तो वैल्यू होगी उस स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड होने के कारण से हम उस चीज को यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज के बारे में, अभी समझ में आ जाएगा आपको। सरफेस में हमें वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आपको कह रहा है कि आर बराबर कितना रखा 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर बोले तो कितना देगा 0.25 मीटर पर, हमें क्या निकालना है एक आवेश स्थित है, ये हमारे पास एक आवेश स्थित है वो दे रखा 5 × 10^-2 µC बोले तो 5 × 10^-8 माइक्रो कूलम, 10^6 और ये कितना 10^-2 N·c। हमें क्या निकालना है, इस आवेश पे बल निकालना, तो फाइंड आउट में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी दे रखी है, अगर आर दूरी पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ जाए तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मल्टीप्लाई चार्ज कितना हो जाएगा बल। देखो जब भी आपको बल निकालने को कहे तो कोई जरूरी नहीं त्वरण से आए या अभिकेंद्रीय बल आए, आपको उस फील्ड के लिए बल के फॉर्मूले आने चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिए इसके बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में उस बल का फॉर्मूला आना चाहिए, और आपका सबसे पहला काम यही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना, ठीक है। तो देखो हमारे पास, हम जानते हैं कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है कोई भी पॉइंट पर, आउटसाइड कहते तो K³ कितना होता है R², यहाँ से साफ स्पष्ट है कि E जो है वो कितना 1/R², तो दो पॉइंट ले ले E₁/E₂, तो बोलो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R₂/R₁² दो पॉइंट में, पहला पॉइंट हमने ले लिया सरफेस का वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एस लिख रहा हूँ सरफेस के लिए, E₂ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने मान लिया पॉइंट जो है वो एक बार के लिए R₁ मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो मैंने ये कितना मान लिया R₁। अब कितना आएगा R₁ / में कितना आएगा RS, सॉरी उसकी व्यास का होल स्क्वायर। अब ES का मान आपको दे रखा है 5 × 10^5 और E₁ का मान आपको निकालना है, R₁ दे रखा है आपको कितना 0.25 / RS जो सरफेस का डायमीटर दे रखा है वो 0.05 मीटर का होल स्क्वायर, दशमलव से दशमलव घट गया तो बचा कितने 5 / 25 / 5, इससे मैंने काट दिया तो कितना बच गया 5 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना देगा 25, तो यहां से अगर मैं E₁ निकालूं तो E₁ एक्सक्लूड करके कितना आ जाएगा 5 × 10^5 / 25। अगर मैं यहाँ पे इसको एक पावर दे दूँ इसको तो कितना बन जाएगा 50 × 25 / 10^4 पावर कटने पर कितना देगा E₁ जो आएगा मतलब उस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वो कितना आएगा 2 × 10^4 N·c। ये आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी देगी, ये आपको चार्ज दे रखा है तो बिंदु A पर जो है या बिंदु R₁ पर Q
आवेश पर कार्यरत बल, क्यू आवेश पर कार्यरत बल तो वो कितना देगा, एफ, एफ कितना होगा क्यू इंटू पी वन, एफ बराबर क्यू कितना है, क्यू देखा हमारे पास ये रहा 5 × 10⁻⁸ इंटू ये कितना देखा है 2 × 10⁴, इसको इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना देगा 10⁻⁸, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना देगा 10, 10 को एक पावर जोड़ने तो 5, और सोल्व करने पर कितना देगा 10⁻³, ये आ जाएगा न्यूटन, आपके ऊपर चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम देखते हैं वो भी एक न्यूमेरिकल पोर्शन है 2.16, वो आता अलग गोले के लिए दे रखा है। ठीक है, 2.16 देखते हैं, 2.16 क्या कह रहा है, ये एक अचालक गोले के लिए, तो अचालक गोले की तीव्रता जो आपको समझ में आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जो पुरानी बुक्स है उस बुक्स के अंदर आपको कूलाम और संख्या के बीच में थोड़ा गैप दे रखा होगा, तो वहां पे उस बुक की मिसप्रिंटिंग के कारण वहां पे माइक्रो लिखा हुआ था, तो अब नहीं लिखा हुआ या मिसप्रिंटिंग में छपा नहीं था, इस कारण से आप ध्यान रखना जिस बुक जिसके पास बुके हैं उन बुक में अगर वहां पे कूलाम लिखा हुआ है 20 कूलाम और उस 20 और कूलाम के बीच में थोड़ा स्पेस दे रखा है, तो आप समझ जाना वहां का माइक्रो कूलाम है। ठीक है, क्योंकि आप आगे जब सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत देगा, ये आपकी बुक में लगभग 10 बार तक तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, और आगे अगर कोई माइक्रो का टर्म्स आया तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जो पुरानी बुक है, नई बुक के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला दे रखा है, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बोले तो 0.1 मीटर का गोला दे रखा है, इस गोले इस अचालक गोले पर 0.5 गुलाम आवेश दिया गया, इस अचालक गोले पर कितना आवेश दिया गया 0.5 माइक्रो गुलाम, तो 0.5 × 10⁻⁶ गुलाम आवेश दे रखा है, एक समान रूप से वितरित है। अब हमें क्या निकालना, गोले के केंद्र पर केंद्र से, पहले तो हमें क्या निकालना, टू फाइंड आउट, अलग अलग टर्म्स में पहला निकालना केंद्र पर, दूसरा निकालना है केंद्र से 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, केंद्र से स्मॉल आर बराबर 8 सेंटीमीटर, थर्ड में स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर, अगला हमारे पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर लगा, हाँ जी बिल्कुल, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर केंद्र पे इंटेंसिटी, तो हमें तीनों फॉर्मूले आपको आना चाहिए, तो ई इनसाइड का जो फॉर्मूला होता है आता लग बोले के लिए होता है KQ/R³ इंटू कितना होता है R, पहला। अब बात करें सरफेस पर, तो ये सरफेस पे कितना होता है KQ/R², आउटसाइड देखा जाए होता है KQ/r², सॉरी सरफेस के लिए देखा यहां पे कैपिटल लगाता है, आउटसाइड के लिए पहले केंद्र पर देख लेते हैं, तो केंद्र इनसाइड पर ही होता है, तो एक नंबर पे E सेंटर, यहां पे R बराबर कितना होता है 0 सेंटर, तो KQ/R³ मल्टीप्लाई कितना होगा 0 न्यूटन को ला देगा कूलम, ये तो हमारे पास पहला आ गया। सेकंड देखा जाए केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड में देखा जाए KQ/R³ और R, K का मतलब है 9 × 10⁹ इंटू क्यू कितना दे रखा है 0.5 × 10⁻⁶ अपॉन में इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 0.1³, तो 0.1³ और ये कितना दे रखा है 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.1³ मतलब कितना हो जाएगा, देखो बेटा सुनो, पहले इस चीज को कॉल करते हैं 9 × 0.5 × 0.08 पावर सॉल्व करते हैं बेटा, उसको उड़ाएंगे दशमलव हटाने पड़ेंगे दस हर से,
तीन दशमलव हर से हटाएंगे तो ऊपर अंश में कितना आ जाएंगे, तीन दस की घात आ जाएगी, तो नौ और तीन कितना हो जाएंगे, नौ और तीन बारह, बारह में से छह के तो कितने बचेंगे प्लस के छह। अब देखो दो जीरो तो मैंने यहां से उड़ा दिए, एक जीरो मैंने यहां से उड़ा दिया, ठीक है नीचे आ जाएंगे हजार। अब कितना आ गया देखो, आप सोल्व करते हैं तो आठ पंद्रह चालीस, चालीस मल्टीप्लाई नाइन इंटू, अब देखो यहाँ पे कितनी दस की पावर तीन, ऊपर कितना दस की पावर छह आएगी ना, प्लस की छह, तो प्लस की कितना आएगी प्लस तीन, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नौ सौ कितना होगा छत्तीस इंटू टेन की पावर फोर न्यूटन अपॉन में कूलम्ब, ये आठ सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। ठीक है इसके बाद हमारे पास अगला देखा जाए आगे थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर निकालना मतलब सरफेस पर आ चुके, इस सरफेस पर इंटेंसिटी देखी जाए वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो 10 की 9 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान दे रखा है 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.1, दशमलव उड़ाया ऊपर से 10 यहां से दो दशमलव तो प्रकृत आ गया 100, एक पावर से कट जाएगी 9 और एक हो जाएगी पावर में 10, तो 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, 9 पंद्रह कितना होता है बेटा 45 इंटू ये कितना हो जाएगा 4, यह जगह न्यूटन अपॉन में कूलम 45, वो कर लेना आप इसको 4 पॉइंट के समथिंग कर लेना इसको, ठीक है 4.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन में कूलम, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो बेटा 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा केस होगा आउटसाइड, यहाँ लिख दिया ना ग्रेटर देन स्मॉल इज कैपिटल, इधर ले जाएगा लेस देन, इधर भी क्या है लेस देन, या बार बार जीरो पर भी केस कर, ठीक है चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम के अंदर। लास्ट प्रॉब्लम है हमारा आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो ई आउटसाइड दिखा दे तो कितना आएगा सीधा मान लो बेटा 9 10 की पावर 9 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 20 सेंटीमीटर दे रखा ना, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 दो दशमलव उठे, एक यहां से देखा तो ऊपर कितना आ गया सॉल्व करने पर 10, देखो ये कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 10 की पावर 1 और 9 की तो 10, और यहां पे 6 कटेंगे तो कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं एक काम करते हैं इसको 9 पंजे 45 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इसको काट देते हैं तो कितना कर बैठेगा एक बार यहाँ काटेंगे तो फिर भी एक बार कट जाएगा यहाँ पे पॉइंट और ये कितना आएगा दो बार और भी बचेगा तो कितना आएगा तो कितना आएगा 11.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन में कूलम, ये आपके इलेक्ट्रिकल डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है आपके बुक के जो एग्जाम्पल्स है वो सारे सॉल्व हो चुके, अब हम बुक की जो आंकिक प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, बुक के एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे चलते हैं बुक के आंकिक प्रश्नों के बारे में। बुक के जो आंकिक प्रश्न है जो मैंने करवा दिए हैं वो तो हमने चर्चा करने वाले, जो नहीं करवाए गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बुक का पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पहले करवा दिया था, अब बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि गोले का व्यास दे रखा है, अगर गोले का व्यास दे रखा है तो हमारे पास त्रिज्या निकालनी है, गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व इतना दे रखा है तो हमें क्या निकालना है गोले पर आवेश, और दूसरा निकालना है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सूचक सीरीज को और आगे बढ़ते। इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले गोले का आवेश निकालेंगे, तो गोले का आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व से निकालेंगे तो सिग्मा बराबर कितना होता है क्यू अपॉन में एरिया, तो गोले का एरिया कितना होगा क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ई आर कैपिटल होगा रेडियस के फॉर्म में, तो क्यू निकाले हम तो 4 पाई सिग्मा और आर स्क्वायर, अब हम क्यों निकाले तो 4 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 आर स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा सॉरी आर कैपिटल लिख देता हूं ऊपर के लिए 1.2 और 1.2 क्योंकि उसके स्क्वायर था तो हमने 2 बार कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 144.144 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इसको सॉल्व करते हैं इन सबको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, और आगे आप सॉल्व करें इसको
तो ये तो आ जाएगा 1.45 इंटू सॉरी मिली कूलम कह सकता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, गोले के पृष्ठ निर्गत फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो पृष्ठ निर्गत फ्लक्स कितना देगा, फाई बराबर गाउस के नियम से समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समेशन क्यू इनसाइड गोले के पृष्ठ पे कितना फ्लक्स था वो हमारे पास दे रखा है 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर था 1.63 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन कूलम इंटू कितना रहेगा मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास जो फ्लक्स का मान आ चुका है। अगला हमारे पास देखा जाए तीसरा क्वेश्चन जो घन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी मैंने करवा दी है। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है गोले के केंद्र से, तो गिवन में कह रहा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आर वन दे रखा है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वन दे रखी है 10 वोल्ट अपॉन में मीटर दे रखा है, गोले की त्रिज्या आर दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है आर टू बराबर 8 सेंटीमीटर पर हमें क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब ई टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत समझने लायक का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ एक क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है ना वो देखना है चीज के बारे में। अब हमारे पास देखा जाए कि आउटसाइड का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस गोले पे चार्ज कितना है, तो गोले पे आउटसाइड का फॉर्मूला E1 बराबर कितना होता है के क्यू अपॉन में आर वन का स्क्वायर। यहां से मैं क्या लगा तू क्यू निकालना था क्यू बराबर कितना होगा E1 आर वन का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा के, तो क्यू कितना देगा E1, E1 कितना हमारे पास ये देगा 10 इंटू आर वन कितना है आर वन दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 के कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब हम सॉल्व करें इसको तो कितना देगा 0.04 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर कितना देगा माइनस 9। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, दशमलव उड़ाने पर नीचे कितना देगा 100, एक इससे कट जाएगी तो आप सॉल्व करें तो कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये तो ऊपर लगेगा 10 की पावर 10, ये कूलम में चार्ज आ चुका। अब ये जो चार्ज है वो हमें क्या निकालना है R2 डिस्टेंस पे क्या निकालना है अपने को बस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तो E2 का जो फॉर्मूला होता है E2 बराबर कितना रहेगा हमारे पास E2 जो होगा वो के क्यू अपॉन में R2 का स्क्वायर देगा, R2 का स्क्वायर तो के का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10, और ध्यान रखना जो 9 है वो बट्टे में लेके आ रहा हूं मैं इंटू R2 का मान कितना रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 0.08 मल्टीप्लाई 0.08। अब देखो इस 9 से 9 कट जाएगा तो बचा कितना बचा ये हो जाएगा 10 की पावर सॉरी 4 ये माइनस 10 और ये प्लस का 9 तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 1 अपॉन में 1 2 0 यहां से उठ जाए 2 0 यहां से उठ जाए तो कितना रहेगा 10 की पावर 4 नीचे कितना रहेगा 64। इससे इसको काटे तो काटने में कितना रहेगा 4 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई कितना आएगा बोलो 10 की पावर 3, इससे काट देते हैं तो 1 और यहां पे कितना देगा 1 और 16 आ जाएगा, तो कितना आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन अपॉन में कूलम। सॉल्व पूरा आप कर लेना डिवाइड को 116 से भाग देना जो आपका आंसर है वो आपका करेक्ट होगा। आज की इस लेक्चर सीरीज को हम यही समाप्त करते हैं, इसके बाद जो आपके बुक के आंकी प्रश्न रहे वो कल खत्म करेंगे और कल की डेट में सेक्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद देखते हैं एक दो दिनों के अंदर कि लेसन नंबर 3 कैसे स्टार्ट करें, क्या लेसन नंबर 3 से पहले आपको जो 1-2 है उस 1-2 के बच्चों को कांटेक्ट करके और जो भी हमारे टच में सारे स्टूडेंट हैं क्लास 12th के स्कूल में होंगे तो उनको टच करके पहले उनसे डाउट क्लासेज थे उनके बारे में डिस्कस करके आगे चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम अगर इस क्वेश्चन के अंदर आई है आपके इस वीडियो आज की इस वीडियो सीरीज के अंदर तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजो। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई आपके पास कोई भी बुक की प्रॉब्लम्स हो, लेसन नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फर्स्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप वो बेझिझक आप जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है व्हाट्सएप जो हमारे यूट्यूब ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप उसके अंदर सेंड कर दीजिए। मेरे पास वो प्रॉब्लम अगर आ गई तो आने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होकर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है,
और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।